रामनवमी के मौके पर पटना स्थित महावीर मंदिर में लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों की जुटने की संभावना है। इसको लेकर महावीर मंदिर का सबसे चर्चित प्रसाद और बिहार का सबसे शुद्ध प्रसाद नैवेद्यम जो है 20,000 किलो बनाया जा रहा है। इसको लेकर आपको बता दें कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लगातार 120 जो कारीगर हैं वो सभी तिरुपति के हैं और वो तमाम बड़ी शुद्धता के साथ जो है नैवेद्यम तैयार कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा तैयार किया जा रहा है। इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो उस पटना के उस स्थान पर है जहां पर महावीर मंदिर का प्रसाद नैवेद्यम तैयार किया जाता है। हमारे साथ सिद्धार्थी जी मौजूद हैं जो जिनके देखरेख में ये पूरा जो प्रसाद है वो तैयार होता है। स्वागत है, नमस्कार सर। 20,000 किलो बनाया जा रहा है जी, इसको लेकर क्या जो इंग्रेडिएंट यूज होगा उसकी मात्रा क्या होगी और क्या होगा? लड्डू में सर जो आमतौर में जो इंग्रेडिएंट्स होता है वही इंग्रेडिएंट्स होता है। ऐसे पहले से बेसन लगता है सर, बेसन हम लोगों का लगभग जो है 7,500 किलो का जो है बेसन लगता है। और घी सर सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसका घी है, वो शुद्ध गाय का घी से बनता है। 3,500 किलो के करीब जो है घी लगता है सर। और चीनी जो है लगभग 9,000 किलो चीनी लगता है सर। और काजू जो है लगभग 600 से 650 किलो के बीच में काजू लगता है। और किशमिश 400 किलो किशमिश लगता है। और इलायची जो है अगर 30 भंगर लेंगे तो कम से कम जो है 45 किलो इलायची जो है इलायची लगता है। ये घी हो गया या फिर इलायची हो गया काजू हो गया ये सब आता कहाँ से? घी जो आता है सर वो कर्नाटक से आता है, नंदिनी कंपनी है, वो शुद्ध गाय का घी जो है वहाँ से आता है। और चना दाल जो है सर राजा ब्रांड करके है, बहुत मोटा रहता है उसका चना दाल, तो ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है वो, वहाँ से हम लोग जो है मंगवा लेते हैं। और चीनी जो है यल ग्रेड का आता है, वो गोपालगंज के आसपास जो भी मशीन से चीनी कंपनी से उसके यहाँ से आता है। और काजू किशमिश जो है वो केरल से आता है सर। अभी कितने कारीगर जो हैं रामनवमी के शुभ अवसर पर जो प्रसाद बन रहा है उसमें कितने कारीगर लगे हुए हैं और क्या पूरी तैयारी है? पूरा टोटल अगर मेंबर सर लिया जाएगा तो शिफ्ट अलग अलग होता है, बूंदी छानने का, बनाने का, पैकिंग का। 120 लोग सर काम कर रहे हैं सर। और 20,000 किलो बनाने के लिए हम लोग की जो मशीनरी जो है इसके चलते हम लोग पर डे का जो हम लोग कैपेसिटी जो है वो 10,000 से 12,000 किलो जो है पर डे में हम लोग जो है बना लेते हैं। फिर भी थोड़ा कम मात्रा से हम लोग बहुत लेट से काम शुरू करते हैं कि लोगों को ताजे से ताजा मिल सके। आज सुबह से काम शुरू हुआ है सर, ये कल शाम तक ये काम जो है तो चलो रहेगा। जैसे जैसे मांग आती रहेगी जैसे जैसे वैसे वैसे अगर 20,000 से भी ज्यादा अगर चाहिए तो उसको भी हम लोग जो है बनाने के तैयार हैं। क्या पूरा प्रोसेस होता है जिसके तरीके से ये बन? प्रोसेस सर पहले जो है चना दाल से होता है, हम लोग बेसन नहीं खरीदता है, चना दाल खरीदते हैं। हमलिंग चक्की है उसको हम लोग पीस लेते हैं, उसके बाद उसको मिक्सिंग कर लेते हैं वो बेसन को, उसके बाद शुद्ध गाय का घी में उसको बूंदी छना जाता है। बूंदी छानने के बाद यहाँ पे ले आते हैं सर, ये मशीन सर चाशनी बनने का मशीन है वो, इसमें मिक्सिंग होता है, ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्सिंग होता है। उसके बाद ये ऐसे तैयार होता है, उसके बाद प्लेटफॉर्म पे डाल के जो है उसको शेप देते हैं, उसका पैकिंग होता है, ये प्रोसेस है सर। आप लोगों को भी लगता होगा कि रामनवमी को लेकर 20,000 किलो बनाना है तो प्रेशर ज्यादा रहता है? उतना तो नहीं रहता है क्योंकि आमतौर में सर एक मंगल का सेल जो है 7,500 केजीस है, तो उसका 3 गुना हुआ। ऐसे हम लोग मतलब उतना बड़ा तो नहीं पड़ता है मगर फिर भी रहता है और उतना बड़ा सर पे थोड़ा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो तिरुपति के कारीगर हैं वो इस समय जो है नैवेद्यम बनाने के लिए पूरी तरीके से बना रहे हैं और लगातार जो है घंटों तक ये काम चलते रहता है। उसके साथ ही हम आपको बता दें कि रामनवमी के शुभ अवसर पर पटना के कुल 14 ऐसे काउंटर हैं जो महावीर मंदिर के आसपास हैं, 14 काउंटरों से नैवेद्यम जो प्रसाद है लोगों को मिलेगा। तो पटना से न्यूज 18 के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।